हमारा भाई एक रेलवे एम्प्लॉय था, छोटा कर्मचारी था, जिसके माध्यम से हमारे सारे भाई रेलवे अस्पताल में पहुँचे हैं। लेकिन जो रेलवे डॉक्टर हैं, मैं रेल कर्मचारियों को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो रेलवे डॉक्टरों के भरोसे वहाँ पर कोई ना इलाज कराए, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों में बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरा एक छोटा भाई सत्य प्रकाश था, जो कि कोरोना निगेटिव हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो पुड़िया में बांध के दवा देते थे, पता नहीं वो कौन सी दवा थी, वो किस डेट की दवा थी, ये कुछ हमें नहीं मालूम। दवा पुड़िया में बना के दे देते, कहते ये दवा खिला दो। और मेरे भाई का जब 20 दिन के बाद जब वो गड़बड़ाने लगा, उसका जो है फेफड़े में दर्द होने लगा, तो डॉक्टरों ने तो आनंद फानंद में रेफ़र कर दिया, राम मनोहर लोहिया ले जाइए, यहाँ पर वो कोरोना पॉजिटिव बना के भेज दिए। लेकिन हम लोगों ने प्राइवेट जांच कराया, जो कोरोना निगेटिव था, जब वहाँ पर हमने डॉक्टर से बताया कि कोरोना निगेटिव है, जब कोरोना सेंटर ले जाने लगे, तो उन्होंने कहा मैं इसको एडमिट ही नहीं कर सकता हूँ, ये जांचें बता दें ये कोरोना निगेटिव है, लेकिन रेलवे डॉक्टर ने लिख दिया है कोरोना पॉजिटिव है। तो ना फिर रेलवे डॉक्टर ने लिया और ना ही राम मनोहर लोहिया ने लिया। उसके बाद में जब हमारे एम्बुलेंस डॉक्टर ने ड्राइवर ने कहा कि हमारे पास मात्र गैस 1 घंटे की शेष है और ये बिना ऑक्सीजन के मरीज मर जाएगा, तो मैं फिर एक हमारे डायरेक्टर महोदय थे सिविल के, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया, उनको अपनी समस्या बताई, अपनी पीड़ा बताई, तो मानवता के आधार पर बोले कि मैं इसको सिविल में अभी एडमिट कराता हूँ। डॉक्टरों ने उनसे उन्होंने कहा और डॉक्टरों ने तुरंत एडमिट किया। रात भर मेरा भाई वहीं पर ऑक्सीजन मिली और एडमिट हो गया। उसके बाद हम लोग सहारा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, सब जगह छानबीन करते रहे, कहीं पे बेड नहीं मिला, कहीं पे वेंटिलेटर नहीं मिला। अंत में एक हैरम हॉस्पिटल दुबग्गा पे, वहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हुई। जब तक बहुत देर हो गई थी, भाई को हम लाए, 6:30 के बाद 6:30 बजे मेरा भाई का स्वर्गवास हो गया। हमारे घर में यूँ देखा जाए 8 लोगों की मौत हुई। हमारे सगी संबंधी थे, हमारे 4 सगे भाई थे जो इसी घर पे मौत हुई है, हॉस्पिटल में मौत हुई, इसी घर पे रहते थे। एक हमारी माँ बैठी रहती थी, वो भी स्वस्थ थी, हष्टपुष्ट थी, लेकिन उनको भी कोरोना जांच का भी मौका नहीं मिला। हम 4 भाई जब एडमिट हो गए, यहाँ कोई उनको ले जाने वाला नहीं था, हम उनकी देखभाल में थे। और मेरी माँ का जब ये फेफड़ा जकड़ने लगा, हमारे 2 छोटे-छोटे भतीजे थे, वो रात भर उनको फ़ोन पे मैसेज देते रहे कि माताजी बोल नहीं पा रही, माताजी जो है अब जो है ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और उनका सीना बिल्कुल जकड़ गया, वो उनके मुंह में कुछ जा नहीं रहा था। और रात में 2:30 बजे उनका स्वर्गवास हो गया और हमारे 4 भाई चले गए, माताजी चली गईं, और 2 हमारी सगी बहनें हमारे पास उस समय थीं, माताजी से मिलने आई थी, जो कि जब वो उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो उनके पति अपने अपने घर ले गए, लेकिन बच नहीं गई, वो भी समाप्त हो गई। ये हमारे घर में 7 मौतें हुई, हमारे एक कोख से जो पैदा हुए हैं वो 7 मौतें हुई। उसके बाद एक हमारी बड़ी अम्मा रहती थी, जिनकी देखभाल हम ही लोग करते थे। जब बड़े भैया को उन्होंने सुना कि जब एक लड़का ने बता दिया कि विजय भैया ख़त्म हो गए, तो वो बोलने लगे कि हाय चिड़ैया मेरा चला गया, हाय भैया चला गया, और कहते कहते वो भी मर गए। 8 लोगों की मौत।